हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग के साथ बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी फाइनेंस की लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने डेली सुबह सात से आठ के बीच में एक प्रोग्राम इशू किया है, जहाँ पे मैं 3 इंट्राडे स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ, साथ में स्टॉप लॉस एंड टारगेट होते हैं उसमें। आज के लिए मैं सॉरी चाहूंगा कि आज ना मैं प्रीवियस डे की परफॉर्मेंस डिस्कस कर पाया, ना ही मैं इंट्राडे डिस्कस कर पाया, बिकॉज मैं कहीं और था, होम टाउन में अपने नहीं था, तो इसके लिए मैं सॉरी मांगूंगा। बट वो कल से वीडियो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, आप वो सीरीज आराम से मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट उसका फायदा उठा सकते हो। तो चलिए वीडियो का डिस्कशन शुरू करते हैं। इस वीडियो का डिस्कशन शुरू करने के लिए मैं जो आपको डायरेक्टली पहले टॉपिक बता दूं, टॉपिक यहाँ पे भारतीय एयरटेल कंपनी होने वाली है। इस कंपनी की स्टॉक की ब्रीफिंग हम लोग देखने वाले हैं और टारगेट इसका बहुत ही शानदार आने वाला है, 700 से 800 के बीच में इसका टारगेट होने वाला है। बाय होल्ड और सेल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मैं सीधे आपको लेके आ जाता हूँ यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे, आज के प्रोग्राम का पहले डिस्कशन कर लेते हैं। आज की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो आपको एक नेगेटिव से ओपनिंग देखने को मिली थी। अगर बात करें ओपनिंग की, तो 535 की ओपनिंग आपको देखने को मिली थी। अगर लो की बात करें तो 533 की लो ये स्टॉक टच करता है। अगर हाई की बात करें तो 541.90 का एक हाई लगाता है। ये स्टॉक एक रेंज में रह जाता है, आप देखोगे 539.25 के आसपास आपको एक क्लोजिंग प्री क्लोजिंग देखने को मिली। अगर बात करें एक्जैक्टली क्लोजिंग की, तो 539.60 पे एक सेलिंग यहाँ पे ऑर्डर लग चुका है। लाइकवाइज अगर बात करें तो ये एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ समझ सकते हो, सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी की, तो 56,37,000 क्वांटिटी की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई। अगर बात करें डिलीवरी की, तो 18,30,000 शेयर की यहाँ पे डिलीवरी उठाएगी। अगर बात करें परसेंटेज टर्म में, तो 32.47% है। ये कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, बट जो आगे का डेटा हम लोग टेक्निकल चार्ट पे डिस्कशन करने वाले, बहुत ही अट्रैक्टिव निकल के आ रहा है और वहां पे हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो चलिए पहले न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। एक न्यूज जो यहाँ पे निकल के आ रही है, पहली फर्स्ट न्यूज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो, एयरटेल टीसीएस अनाउंसेस कोलैबोरेशन टू बिल्ड 5G नेटवर्क इन टाइम इन इंडिया। यहाँ पे अगर न्यूज की बात करें तो ये देख सकते हो आज की न्यूज है, 5:09 पे आ रही है, यानी मार्केट क्लोज होने के बाद आ रही है। इसीलिए आपको ज्यादा इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को नहीं मिला, नहीं तो आपको यहीं पे बहुत ज्यादा बढ़िया मोमेंटम, लगभग 2 से 3% का मोमेंटम आज देखने को मिल जाता है। अगर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, यहाँ पे ये लोग क्या करने वाले हैं, इस कंपनी का क्या टारगेट है, तो आपको डायरेक्टली अगर यहाँ पे दिखाना चाहूँ मैं तो लेके आ जाऊंगा। बात करें यहाँ पे आईटी सर्विस फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंप्लीमेंटिंग 5G ब्रॉडबैंड नेटवर्क सॉल्यूशंस इन इंडिया, यानी टीसीएस और एयरटेल का जो कोलैबोरेशन होने वाला है, इनका मेन टारगेट है 5G ब्रॉडबैंड सर्विस इंडिया में प्रोवाइड कराना। अगर बात करें आगे डिस्कशन को और अब आगे बढ़ाएं, तो टाटा ग्रुप हैज डेवलप्ड स्टेट ऑफ आर्ट ORN बेस्ड रेडियो एंड NSSA कोर एंड हैज इंटीग्रेटेड अ टोटल इंडिजिनस टेलीकॉम स्टैक्स। यानी यहाँ पे जो टाटा ग्रुप का जो टारगेट है, वो इंडिया में 5G को एकदम मेड इन इंडिया 5G प्रोवाइड करना है। यहाँ पे जनवरी 2020 तक का इनका 22 तक का इनका जो है लाइक टारगेट भी है। यहाँ पे टारगेट बहुत ही शानदार इन्होंने रखा है, जनवरी 2022 तक का टारगेट है। अब बात करें यहाँ पर आपको डायरेक्टली थोड़ा सा दूसरी चीज पे मैं लेकर चलूँ, जहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली टारगेट वहाँ पे 800 का लिखा हुआ, उसका रीजन डायरेक्टली दिखा दूँ। बाय भारती एयरटेल टारगेट ऑफ 720 मोतीलाल ओसवाल, और ये जो टारगेट देते हैं उससे कहीं ज्यादा स्टॉक भागता है। अगर मैं बात करूं इनका पहले, इससे पहले जो टारगेट इन्होंने दिया था, सेल कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में दिया था 56 के रेट पे जब हुआ था, तो इन्होंने 81 का दिया हुआ था टारगेट, और वो टारगेट कहीं उससे ज्यादा अचीव हो गया है, 100% से ज्यादा। तो इसीलिए यहाँ पे जब इन्होंने 720 दिया है, तो उसको मैं मान के यहाँ पे उसी टाइप का प्रोग्रेशन इस स्टॉक में भी मान के मैं यहाँ पे 800 बोल के लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बात करें इन्होंने पूरी एक रिपोर्ट बनाई है, भारतीय एयरटेल हैज बीन अंडर परफॉर्म्ड। ये जो स्टॉक है यहाँ पे अंडर परफॉर्म्ड है, स्टॉक की बात कर रहा है ये, इन्होंने अंडर परफॉर्म एक्सेप्शंस अराउंड बिजनेस पोटेंशियल, यानी कि बिजनेस पोटेंशियल या बिजनेस की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बट फिर भी ये स्टॉक अभी अंडर परफॉर्म्ड है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे अगला जो हम लोग टेक्निकल चार्ट पे डिस्कस करने वाले, मैंने आपको बताया था टेक्निकल चार्ट मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। बात करें यहाँ पे पहले आरएसआई इंडेक्स की बात करें, तो आरएसआई इंडेक्स आप देख सकते हो 51.15 है। बात करें आगे डिस्कशन को ले जाएं, तो ये पीवट पॉइंट से नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, करेंटली मैं 543 से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे एक भी रेड कैंडल बनती है, तो थोड़ा सा ये नीचे आ सकता है, 510 के लेवल को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, तो पहला जो रेसिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो 568 का लेवल निकल के आ रहा है, 568 इसका होने वाला है R1। R2 की बात करें तो 601 R2 होने वाला है। बात करें यहाँ पे सपोर्ट की, तो सपोर्ट S1 जो होने वाला है यहाँ पे आपको 510 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर बात करें S2 की, तो
485 होने वाला है, ठीक है। S2 पे अभी नहीं जा सकता, स्टॉक काफी आगे निकलना है अभी इस स्टॉक को, तो S2 पे नहीं जा सकता, बस S1 को टेस्ट कर सकता है अगर मार्केट नेगेटिव माहौल बनाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब बाक है। और हाँ, जो अभी तक एंड तक वीडियो देखे उनके लिए एक बोनस टिप की, क्या हमें स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं, या मैं बाय कर रहा हूँ कि नहीं, मैं इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी और अपनी बढ़ाऊंगा। पहले से मेरा इस स्टॉक में है मेरा स्टेक, तो अभी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाने की सोच रहा हूँ, और थोड़ा सा जिस दिन मुझे इस स्टॉक में थोड़ा सा ज्यादा डीप मिलेगा उस दिन मैं ज्यादा क्वांटिटी ऐड करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, सब बखैर। वीडियो और लास्ट तक देखा कीजिए, आपको बेनिफिट होगा।